हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे घोस्ट स्टोरीज मूवी देखी और ये एक इंडियन एंथोलॉजी हॉरर फिल्म है। अब जिन्हें एंथोलॉजी शब्द का अर्थ नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि एंथोलॉजी फिल्मों में यूजुअली मल्टीपल शॉर्ट फिल्म्स होती है जिन्हें अलग अलग डायरेक्टर्स डायरेक्ट करते हैं। घोस्ट स्टोरीज मूवी में भी 4 शॉर्ट स्टोरीज है जिन्हें जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, दिबाकर बैनर्जी और करण जौहर ने डायरेक्ट किया है। मैं यहाँ फिल्म की रेटिंग्स के बारे में बातें नहीं करूँगा क्योंकि फिल्म इज क्वाइट न्यू और इस वजह से रेटिंग्स काफी फ्लक्चुएट हो रही है। इस वीडियो में हम घोस्ट स्टोरीज फिल्म में दिखाई गई चारों स्टोरीज को ब्रीफली जानेंगे, तो अगर आपको इस फिल्म की बस एक स्पॉइलर फ्री शॉर्ट रिव्यू चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिख रहे टाइमिंग पे स्किप कर सकते हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आप सभी हॉन्टिंग ट्यूबर्स को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नया साल आपके और आपके परिवार वालों के लिए बहुत ही बढ़िया होगा, ताकि आप सभी अपनी मंजिल की ओर तेजी से आगे बढ़ सकें। मोरओवर, अगर इस वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ी ऑफ लग रही है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत ही तेज कफ एंड कोल्ड है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज फिल्म की कहानी को जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया है और इस कहानी की शुरुआत में हम व्यूअर समीरा नाम की नर्स को देख पाते हैं। समीरा बेबीलोन मैंसन में एक ओल्ड लेडी की देखभाल करने जाती है जिनको पहले समीरा की एक कॉलीग अटेंड कर रही थी। ये ओल्ड लेडी काफ़ी क्रीपी थी और इन्हें कई बीमारियां थी, लाइक डिमेंशिया, मेमोरी लैप्सेस, डायबिटीज, पार्शियल पैरालिसिस इत्यादि। इस ओल्ड लेडी का कहना था कि उनका बेटा अरमान भी घर में ही है, लेकिन समीरा को घर में कोई दूसरा इंसान नहीं दिखता है। अरमान वो सपोज टू अटेंड हिज मदर, लेकिन वो यहाँ आ नहीं सका, जिस वजह से ये बूढ़ी औरत 2 दिन से घर में अकेली ही थी। ये ओल्ड लेडी काफ़ी सेंसिटिव थी क्योंकि जब भी कोई उनके घर के डोर पे आता था तो उन्हें किसी तरह पहले ही पता चल जाता था। अब दोस्तों, समीरा इस ओल्ड लेडी का ख्याल रखते हुए उनके घर में ही स्टे कर रही थी और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि समीरा का किसी गुड्डू नाम के बंदे से चक्कर चल रहा था। समीरा ओल्ड लेडी को स्लीपिंग पिल्स देकर सुला देती है ताकि वो गुड्डू को यहाँ बुला सके, लेकिन गुड्डू हमेशा की तरह प्लान को लास्ट मिनट कैंसिल करता है। रात को सोते वक्त समीरा को घर में अननोन प्रेजेंस फील होती है और उसे रूम के डोर पे किसी की शैडो भी दिखती है। इन सब के दौरान ओल्ड लेडी भी जाग गई थी और वो अपने बेटे के बारे में अजीब बातें बोल रही थी। समीरा ओल्ड लेडी को सुला देती है और नेक्स्ट डे वो गुड्डू को कॉल करके उससे झगड़ा करती है। इस बहस के दौरान हमें पता चलता है कि गुड्डू एक मैरिड इंसान है जिसका एक बच्चा भी है और वो समीरा को शादी का लालच देकर काइंड ऑफ फंसाए हुए है ताकि समीरा उसे फिजिकली प्लीज कर सके। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि समीरा को छोटी उम्र में ही मैसूर ट्रेन स्टेशन पर अबैंडन किया गया था और आज इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत करी है। खैर, अगली रात समीरा फिर से ओल्ड लेडी को स्लीपिंग पिल्स देती है और आज गुड्डू भी यहाँ आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू ही किए थे कि इनके घर में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। इन आवाज़ों को सुनकर गुड्डू काफ़ी डर जाता है और वो समीरा को यहीं छोड़ के भाग जाता है। मीनवाइल, ओल्ड लेडी स्लीपिंग पिल्स लेने के बावजूद भी जाग गई थी और वो पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। ओल्ड लेडी का कहना था कि उनका बेटा अरमान घर में आ चुका है एंड ही इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ हर। लेडी को बहलाने के लिए समीरा प्रिटेंड्स कि वो अरमान को खोजने किचन में गई है और किचन की डोर के पीछे समीरा एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ देखती है। वहाँ ओल्ड लेडी की लाश पड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, समीरा वो शॉक टू सी दिस और नेक्स्ट सीन में हम भी उस पुलिस को यहाँ देख पाते हैं। पुलिस की बातों को सुनकर हम समझ पाते हैं कि ओल्ड लेडी 3 दिन पहले ही मर चुकी थी और समीरा इज करंटली इन ए शॉक्ड स्टेट, यानी कि पिछले 2 दिन से समीरा उस ओल्ड लेडी के घोस्ट के साथ थी और वो इस बात को रियलाइज नहीं कर पाई थी। पहली स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
नाउ घोस्ट स्टोरीज फिल्म की दूसरी स्टोरी को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है और इस कहानी की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक इंसान को देख पाते हैं जो कि एक कैमरा से अपनी बीवी नेहा और नवजात शिशु की फोटो लेता है। इसके अगले सीन में ही हम हॉस्पिटल में भाग दौड़ देखते हैं जिससे हमें रियलाइज होता है कि शायद उस इंसान का बच्चा जिंदा नहीं बच पाया। यहाँ से कहानी कुछ साल बाद की आती है जहाँ हम सेम कपल को देख पाते हैं और इनके घर में अंश नाम का एक बच्चा था। नेहा अंश का ख्याल रख रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि नेहा अंश की माँ नहीं बल्कि मासी थी। अंश के पिता एक सिंगल पेरेंट थे और अपने काम की वजह से वो अंश को उसकी मासी के घर पे ही खेलने छोड़ देते थे। हम भी उस यहाँ नेहा को घर के एटिक में अनाज वगैरह डालते देख पाते हैं ताकि पंछी खास करके कौवा अनाज खा सके। नेहा के घर में कई डॉल्स भी रखी थी विच वॉज काइंड ऑफ क्रीपी। नेहा इन डॉल्स को क्रीपी वे में बेबी सिट भी किया करती थी जो कि काफ़ी अजीब था। तो आगे की सीन्स में हमें पता चलता है कि नेहा प्रेग्नेंट हो गई है और अंश इस बात से एकदम भी खुश नहीं था क्योंकि उसकी नेहा मासी अब उसे प्यार नहीं करेगी। अंश अपने मासी की एक ड्राइंग बनाता है और वो उनके पेट में छोटे से बच्चे की ड्राइंग भी बनाता है। इसके बाद वो बच्चे की ड्राइंग को पेंसिल से बार बार कट करता है, काइंड ऑफ रगड़ता है पेज पे, और उसके ऐसा करते ही नेहा के पेट में दर्द होता है। इस सीन के दौरान हम व्यूअर्स कौवे की आवाज़ भी सुन पाते हैं और नेहा अंश से पानी मांगती है। इसके बाद अंश वापस से ड्राइंग बनाकर उसे कट करता है जिससे नेहा के पेट में फिर से दर्द होता है और अंश उनके लिए पानी लाता है। नाउ नेक्स्ट सीन में हम नेहा को वॉशरूम में देख पाते हैं और उनके कपड़ों पे खून था विच इंडिकेट्स कि शायद उनका होने वाला बच्चा गिर गया। यहाँ सीन चेंज होकर अंश पे फोकस करती है जो कि कुछ वॉर्म्स पकड़ता है ताकि वो नेहा आंटी के एटिक में रहने वाले कौवे को खिला सके। अब आपको पता ही होगा कि अगर कोई इंसान कौवे के अंडे को टच कर देता है तो कौवा उस अंडे को गिरा देता है। ठीक ऐसा ही नेहा के घर में भी होता है और फूटा अंडा देखकर नेहा को अपनी पुरानी बातें याद आती है। बचपन में नेहा अक्सर कौवे के अंडे को उठा लाती थी जिससे उनके अंडे खराब हो जाते थे और नेहा की मॉम उसे कहती थी कि एक दिन कोई उसका बच्चा भी ऐसे ही उठा ले जाएगा। कुछ साल पहले डिलीवरी के टाइम नेहा का बच्चा मर गया था और नेहा के हस्बैंड उस बच्चे को फेंकते हुए दिखते हैं। इस सीन में नेहा के कौवे की तरह पंख निकल आते हैं और वो क्रोज की तरह कॉ कर रही थी। दिस वॉज ऑल ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि नेहा के दिमाग में क्या चल रहा है और इन थॉट्स की वजह से नेहा अपना मेंटल बैलेंस खो देती है। प्रेजेंट में नेहा पागलों की तरह फूटे अंडे को साफ करती है और जब अंश उनके घर आता है तो वो नेहा को बिना कोई कपड़ा पहने वॉर्म्स खाते हुए देख पाता है। उसी कमरे में हम एक अजीब से क्रो टाइप क्रीचर को देख पाते हैं जो कि मांस खा रहा था एंड दिस अगेन वॉज अ रिप्रेजेंटेशन कि कैसे क्रोज नेहा के बच्चे को खा रहा है और नेहा बस उस पर एक क्रो की तरह कॉ कर पाती है। नेहा को ऐसा लगता है कि उसके शरीर पे पंख आ गए हैं और वो अपने पंखों को नोचना शुरू करती है जबकि रियलिटी में वो अपने शरीर से स्किन को ही नोच रही थी। जब नेहा के हस्बैंड घर वापस आते हैं तो वो नेहा को पागलों की तरह डॉल्स को बेबीसिट करते देख पाते हैं। मीनवाइल अंश काफ़ी खुश था क्योंकि अब नेहा मासी सिर्फ उसे प्यार करेगी। दूसरी शॉर्ट स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नाउ घोस्ट स्टोरीज मूवी की तीसरी शॉर्ट स्टोरी को दिबाकर बैनर्जी ने डायरेक्ट किया है और इन चार स्टोरीज में से ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। इस कहानी की शुरुआत में हम एक इंसान को देख पाते हैं जो कि 20 घड़ाई नामक जगह की तरफ बढ़ रहा था। उसे इस जगह से 4 किलोमीटर दूर ही गाड़ी से उतार दिया जाता है और वहाँ से ये बंदा पैदल 20 घड़ाई पहुँचता है। गांव में काफ़ी अंधेरा था और इसे यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी अचानक उसे एक बच्चा दिखता है जो कि हेलमेट पहना हुआ था और वो बच्चा इन्हें लाइट बंद करके साथ भागने को कहता है। बच्चा इस इंसान को एक हाइडिंग प्लेस तक ले जाता है जहाँ एक छोटी लड़की भी थी और ये दोनों बच्चे थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे। बच्चे का कहना था कि लड़की के पापा उसके पापा को खा गए और बाहर 100 घड़ा के लोग 20 घड़ा के लोगों को खा रहे हैं। अब 20 घड़ा में सिर्फ यही दोनों बच्चे हैं और अगर वो बाहर गए तो उन्हें भी खा लिया जाएगा। ये छोटा बच्चा बाहर इसलिए जाता था ताकि वो एक काउ से मिल्क ला सके क्योंकि बाहर वाले लोग कैटल्स वगैरह नहीं खाते हैं। अगले सुबह इन्हें रियलाइज़ होता है कि खाना ना मिलने की वजह से गाय भी मर चुकी है एंड एट दिस पॉइंट एडल्ट इंसान इन बातों को बकवास बोलते हुए बाहर निकल जाता है।
बाहर इस एडल्ट पे एक लेडी अटैक करती है जो कि एकदम जॉम्बी की तरह थी, और बच्चा इस एडल्ट को एक कटे हुए हाथ की मदद से बचाता है क्योंकि जॉम्बी लेडी हाथ को खाने में लग जाती है। एडल्ट भागते हुए एक स्कूल में पहुंचता है जहां कोई भी नहीं था और वहां का प्रिंसिपल थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। प्रिंसिपल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो भी धीरे धीरे इन्फेक्ट हो रहा है, और ये तीनों स्कूल के एक कमरे में छिप जाते हैं। बच्चा बताता है कि इन्फेक्टेड लोग दूसरे इन्फेक्टेड लोगों को नहीं खाते हैं। इन्फेक्शन की पहली स्टेज है ब्लाइंडनेस, और फिर वो जॉम्बी बनके इंसानों को खाते हैं। तभी अचानक इस कमरे में एक अजीब सा क्रीचर एंटर करता है जो कि बच्ची के डैड थे, और वो अपना शिकार ढूंढ रहे थे। एडल्ट और बच्चा एकदम चुपचाप स्टिल थे क्योंकि ये क्रीचर्स क्लियरली देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो बच्ची अपने पिता को पुकारने लगती है। उसके ऐसा करते ही ये क्रीचर अपनी ही बेटी को मार के खा जाता है। इसके ठीक बाद क्रीचर यहाँ से चला जाता है, और अब इस गांव में सिर्फ वो छोटा बच्चा और एडल्ट बचे थे। बच्चे के दिमाग में एक प्लान आता है जहाँ वो मरे हुए इंसानों के खून को अपने शरीर पे लगाता है ताकि क्रीचर्स उन्हें भी अपने जैसा मानने लगे। ऐसा करने के बाद ये दोनों बाहर जाते हैं और जॉम्बीज को इन पे शक नहीं होता है, लेकिन इन जॉम्बीज के लीडर को इन पे शक होता है, और वो बच्चे को पूरी तरह से स्मेल और टेस्ट करता है। किड वॉज वेरी स्मार्ट क्योंकि वो जॉम्बी को कन्विंस करने के लिए एक कटा हुआ हाथ खाता है। जॉम्बी अब एडल्ट की तरफ देखता है एंड द एडल्ट फ्रीक्स आउट। उसके ऐसा करते ही सारे जॉम्बीज इस एडल्ट को पकड़ने में लग जाते हैं, और भागते भागते ये एडल्ट एक गड्ढे में गिर जाता है। लीडर जॉम्बी अपने साथ उस बच्चे को लाता है और वो इस गड्ढे में कूद कर एडल्ट पे अटैक कर देता है। इस सीन के ठीक बाद हम व्यूअर्स सेम एडल्ट को होश में आते देख पाते हैं, और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये सब मोस्टली बस एक सपना था। 20 घड़ा गांव जल रहा था, और इस एडल्ट को कुछ लोग अपनी गाड़ी में रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करने वाले लोग 100 घड़ा से थे, और उनकी बातों को सुनकर हम समझ पाते हैं कि 100 घड़ा वाले लोग 20 घड़ा के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। यानी कि ये पूरी कहानी मेटामॉर्फिकल थी जहां हम व्यूअर्स को जॉम्बीज वगैरह के डिपिक्शन से एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम के बारे में बताया जा रहा था। 100 घड़ा 20 घड़ा के कॉम्पेरिजन में एक बड़ी जगह थी, और वहाँ के लोग 20 घड़ा के लोगों को पसंद नहीं करते थे। जिस स्कूल प्रिंसिपल को हमने जॉम्बी में कन्वर्ट होते देखा था वो पहले 20 घड़ा में प्रिंसिपल थे, लेकिन अब वो 100 घड़ा चले गए। यानी कि 100 घड़ा के लोगों को एज ए जॉम्बी रिप्रेजेंट किया गया है जो कि अपने गौरव में अंधा होकर 20 घड़ा के लोगों को मार रहे हैं। लाइक जॉम्बी, 100 घड़ा के लोग अपने लोगों को नहीं खाते हैं, बल्कि उनका टारगेट सिर्फ 20 घड़ा वाले हैं। ये एडल्ट भी 20 घड़ा इस बात की जांच पड़ताल करने आए थे कि आखिर 20 घड़ा के बच्चे एग्जाम्स में इतना ज़्यादा फेल क्यों हो रहे हैं। गाड़ी में बैठे 100 घड़ा के लोग कहते हैं कि 20 घड़ा कई दिनों से खाली है, विच रिप्रेजेंटेड कि 100 घड़ा के लोगों ने पूरे गांव को जला दिया, जिसमें लोग या तो कन्वर्ट हुए या फिर मारे गए। थर्ड स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नाउ फाइनली द फोर्थ स्टोरी, जिसे करण जौहर ने डायरेक्ट किया है, एंड एज एक्सपेक्टेड ये इस फिल्म की सबसे वाहियात स्टोरी है। तो कहानी की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक लड़का और लड़की को देख पाते हैं जिनका नाम ध्रुव और ईरा था। ये दोनों अरेंज मैरिज करने वाले थे, और बातचीत के दौरान ये एक दूसरे से काफ़ी कॉम्पैटिबल दिखते हैं। इनके पेरेंट्स भी इस रिलेशनशिप से खुश थे, और ये लोग काफ़ी अमीर भी थे। बातों बातों में ध्रुव की मॉम कहती है कि शादी के लिए उन्हें ध्रुव के ग्रैनी से परमिशन लेना होगा, लेकिन दोस्तों ध्रुव की ग्रैनी तो 20 साल पहले मर चुकी थी। दिस वॉज क्वाइट वियर्ड, लेकिन इरा इस बात को इग्नोर करती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि ध्रुव की फैमिली जिस घर में रह रही है उसे भी ग्रैनी ने ही बनवाया था। ध्रुव भी कहता है कि वो ग्रैनी से शादी के बारे में बातें करेगा, और इरा को ऐसा लगता है कि मे बी ध्रुव अपनी ग्रैनी से बहुत ज़्यादा अटैच था, जिस वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। खैर, ध्रुव और ईरा की ग्रैंड वेडिंग होती है, और शादी की पहली रात जब ये लोग एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो ध्रुव अचानक से अपनी ग्रैनी से बातें करने लग जाता है। कमरे का दरवाज़ा खुला था और ईरा वहाँ किसी को भी नहीं देख पा रही थी। ध्रुव अपनी ग्रैनी को गुड नाइट बोलता है, और वो ईरा को भी अपनी ग्रैनी से गुड नाइट बोलने को कहता है। ईरा वॉज कन्फ्यूज्ड, और वो ध्रुव को बोलती है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन इस बात पर ध्रुव ईरा पर काफ़ी गुस्सा करता है। उस रात इरा घर में इधर उधर घूमती है, और उसे किसी के फुटस्टेप्स और वॉकिंग स्टिक्स की आवाज़ सुनाई देती है। घर में इरा को ध्रुव की मॉम स्लीप वॉक करते भी दिखती है, और इरा को अब ये फैमिली अजीब लगने लगी थी।
इरा सोचती है कि अगर ध्रुव इस घर से बाहर निकलेगा तो शायद वो अपने ग्रैनी को भूल जाए, इसलिए वो ध्रुव को नया घर लेने की सजेशन देती है जिसमें सिर्फ वो दोनों रहेंगे। ध्रुव लाइक्स द आइडिया, लेकिन उसका कहना था कि पहले वो ग्रैनी से इसकी परमिशन लेगा। ध्रुव के हिसाब से ग्रैनी अब तक जिंदा है और वो अकेले में ही बातें करते हुए बच्चों की तरह ग्रैनी के साथ पीकाबू खेलता था, मानो उसकी ग्रैनी उसके साथ ही हो। इरा को घर में ग्रैनी की स्टिक मिलती है और वो इन सब के बारे में शांति से पूछती है, जो कि घर की मेड थी। शांति खुद ग्रैनी की बहुत बड़ी भक्त थी और वो भी ऐसे बिहेव करती है मानो ग्रैनी अब भी जिंदा है। शांति बताती है कि 20 साल पहले ध्रुव और ग्रैनी एक दूसरे के साथ हमेशा पीकाबू खेला करते थे और एक बार ध्रुव ने गलती से ग्रैनी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। इस इंसिडेंट के बाद ग्रैनी के शरीर की हड्डियां टूट गई और वो चलने फिरने लायक नहीं रही। ग्रैनी ने इसके बाद क्रिश्चियनिटी को अपनाया और हर रात वो वॉकिंग स्टिक की मदद से ध्रुव को गुड नाइट बोलने उसके कमरे में जाती थी। इरा पूछती है कि आखिर ग्रैनी गुजरी कैसे, तो इस पर शांति का कहना था कि ग्रैनी सिर्फ गुजरी है, मरी नहीं है। तो इस इंसिडेंट के बाद इरा गुस्से में ग्रैनी के कमरे में जाकर उन्हें अपनी शक्ल दिखाने को कहती है, इफ़ एट ऑल शी इज़ रियली देयर। इरा काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल लैंग्वेज में ग्रैनी पे चिल्लाती है और वो उनकी वॉकिंग स्टिक को अपने कमरे में बेड के नीचे छुपा देती है। उस रात ध्रुव वॉज अपसेट क्योंकि 20 साल में आज पहली बार ग्रैनी उसे गुड नाइट बोलने नहीं आई थी। ध्रुव नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे भी अपसेट था एंड इरा वॉज ट्राइंग टू कंसोल हिम। इरा ब्रेकफास्ट खाती है और इसके ठीक बाद उसके पेट में जोड़ों की दर्द होती है। शांति इरा को बेड पे लिटा देती है एंड देन शी रिवील्स कि ग्रैनी को भी ठीक इसी तरह से दर्द होता था। दर्द की वजह से ग्रैनी ने शांति से उन्हें मार डालने को कहा और इसीलिए शांति ने उनके ब्रेकफास्ट में कैस्टर सीड्स मिलाया जिससे ग्रैनी की मौत हुई थी। शांति बेड के नीचे से ग्रैनी के स्टिक निकालती है और इस सीन में ध्रुव और उसकी पूरी फैमिली कमरे में आकर ऐसे प्रे करते हैं मानो इरा मरने वाली हो। शायद शांति ने इरा के फूड में भी जहर मिलाया था और कुछ ही देर में हम इरा को मोशनलेस देखते हैं। इसके अगले सीन में इरा की आंखें खुलती है और अब वो भी ग्रैनी को देख पा रही थी। ग्रैनी कहती है कि इरा अब उनकी दुनिया में है जहां हम कई लोगों को देख पाते हैं जो कि घोस्ट जैसे दिख रहे थे। ग्रैनी बताती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ग्रैनी पे भरोसा नहीं किया था और इस सीन में हम व्यूज को अंदाज़ा लग जाता है कि ध्रुव और उसकी फैमिली उन सभी लोगों को मार डालते हैं जो कि ग्रैनी को नहीं मानते हैं। चौथी स्टोरी और घोस्ट स्टोरीज फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म के चारों कहानी की ब्रीफ समरी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको ये चारों कहानी समझ में आ गई होगी क्योंकि ये काफ़ी सिंपल थी। फिर भी अगर आप में से किसी को भी किसी भी कहानी में डाउट है तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला है, आप वहाँ मुझसे क्वेश्चंस पूछिए एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। मोरओवर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्योंकि मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं इंस्टाग्राम पे लोगों को रिप्लाई कर देता हूं। अब जहां तक रिकमेंडेशंस की बात है तो मुझे पर्सनली इनमें से सिर्फ दो कहानियां अच्छी लगी। द बेस्ट स्टोरी वॉज डायरेक्टेड बाई दिबाकर बैनर्जी और अनुराग कश्यप वाली स्टोरी भी काफ़ी क्रीपी और अच्छी थी। जोया अख्तर वाली स्टोरी मुझे कुछ खास नहीं लगी और करण जौहर वाली स्टोरी तो मुझे एकदम ही पसंद नहीं आई। ओवरऑल आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस एक्सप्लेनेशन को पूरा देख लिया है तो आपको फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब यहाँ इन चार कहानियों का आपस में कोई संबंध नहीं था, लेकिन ऐसी और भी कई एंथोलॉजी फिल्में हैं जिनकी अलग अलग कहानियाँ आपस में कनेक्टेड होती हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही एक एंथोलॉजी हॉरर फिल्म की एक्सप्लेनेशन करूँगा, तो अगर आप उस वीडियो को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।